तो आज कर रहे हैं 8th क्लास का साइंस का लेसन मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए एटम्स क्या होता है, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको एटम कहा जाता है। सेम एटम्स जब हैं तो उनसे एलिमेंट बनता है, और एलिमेंट थ्री टाइप्स का होता है, ये आगे क्लासेज में आप डिटेल से भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्स को केमिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक है मेटल्स, दूसरे हैं नॉन मेटल्स और तीसरे हैं मेटलॉइड्स। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, वो देखने में कैसे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो रिएक्शन कैसे करते हैं और कहाँ वो पाए जाते हैं, कैसे हम उनको निकालते हैं, ये सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। जब से ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पर रहने लगे हैं, कब से, लगभग 1 लाख साल से भी पहले से ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पर रह रहे हैं, लेकिन तब उन्हें मेटल्स की या इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। लगभग 5000 साल पहले मेटल्स के बारे में मनुष्यों ने, ह्यूमन बींग्स ने पता लगाना शुरू किया। जो ओल्डेस्ट मेटल पता लगाया वो कॉपर है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में या कहीं भी पूछ लें कि ओल्डेस्ट मेटल कौन सा है, तो आपको याद रखना है ओल्डेस्ट मेटल है कॉपर, जिसकी डिस्कवरी ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले की। कब? 9000 BC बिफोर क्रिस्ट। यहीं पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि नॉन मेटल कौन से हैं, जो अब ये क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करके पता लगा लेते हैं। तो ओल्डेस्ट जो नॉन मेटल हैं वो हैं कार्बन एंड सल्फर। कार्बन और सल्फर ओल्डेस्ट नॉन मेटल आपके पास है। देखिए एटम में होता क्या है, एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन, एक को बोलते हैं प्रोटॉन। तो क्या स्ट्रक्चर इसकी है ये आप अभी से देख लें, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, लेकिन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते रहेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोलाकार रास्तों में, यानी कि सर्कुलर पाथ्स हैं, उनमें चक्कर काटते रहते हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ हैं, डेफिनेट सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवोल, इनको कहा जाता है ऑर्बिट या शेल। तो जैसे ये न्यूक्लियस है ना अपने पास, तो ये क्या है, ये फर्स्ट शेल है, इसको के द्वारा भी डिनोट कर लेते हैं, या फर्स्ट शेल। ये सेकंड शेल है, इसको एल कहा जाता है, या सेकंड यानी कि दूसरा शेल कह लो। इसी तरह ये एम, फिर एन एंड सो ऑन, ये तीसरा शेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन शेल्स में चक्कर काटते हैं। अब सवाल ये उठता है कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में चक्कर काटेंगे, यानी कि कितने पाए जाएंगे। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, 2n स्क्वेयर। n का मतलब जिस भी शेल में आपको पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी जगह पर आप n रख दें। जैसे कि आपको यह पता लगाना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट शेल का जिक्र है तो n की जगह 1 रख दें, यानी कि 1 का स्क्वेयर, यानी कि 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरे शेल में कैसे पता लगाएंगे, 2, n की जगह 2 रख दो, यानी कि 8। इसी तरह तीसरे में कितने आएंगे, 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 18 एंड सो ऑन। इसके बाद आपको ज़रूर याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब दो टर्म्स और आते हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और केमिकल सिंबल। ये 20 एलिमेंट्स आपके लिए याद करने बहुत ज़रूरी हैं, उनके केमिकल सिंबल भी, एटॉमिक नंबर, मास
के बिना भी काम चल जाएगा। नंबर जरूरी है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। तो केमिकल सिंबल, जैसे कि मान लिया आपको हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम बार बार इतना पूरा नाम लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी समस्या है, बार बार इतने बड़े बड़े नाम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कौन लिखेगा। तो इनके केमिकल सिंबल्स बना दिए गए कि जहाँ भी आपको हाइड्रोजन लिखना पड़े वहाँ पर आप इस पूरे को ना लिखें, केवल ये लिख दें H। नाइट्रोजन जहाँ लिखना पड़े आप केवल लिख दें N। ऑक्सीजन जहाँ लिखना पड़े आप लिख दें O, एंड सो ऑन। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, केमिकल सिंबल्स बना दिए। अब आपको याद रखना है कि जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसी भी एटम के अंदर, वही यानी कि वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। अब इस बात में एक दिक्कत और आ जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, जब एटम कोई भी रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट वो करेगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जो बाहर प्रेजेंट है उन्हीं का तो नंबर आएगा, ये बाकी तो सारे अंदर बैठे हुए हैं। अगर किसी एटम को रिएक्ट करना पड़ा तो जो सबसे पहले बाहर है उसी से बात करनी पड़ेगी। जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई आदमी बाहर से आता है और आप गेट पर खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो वो आपसे ही बात करेगा कि भाई किसी भी आदमी का बारे में पूछना है, वो अंदर है या नहीं है, जो भी बात है। इसके बाद अंदर वालों का नंबर आएगा। तो जो सबसे बाहर है उसको सबसे पहले काउंटर अटैक करना पड़ेगा, उसी को सामना करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो कहीं तो ये छोड़ने पड़ जाते हैं, एटम को लूज करने पड़ जाते हैं, कहीं लेने भी पड़ जाते हैं। तो इनका जो नंबर है, जो संख्या है, वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है जब रिएक्शन होती है। इसलिए बजाय कि हम ये कहें कि एटॉमिक नंबर वही है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कोई ऐसी बात ढूंढते हैं जो चेंज ना होती हो। अब चेंज कौन नहीं होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी संख्या किन की है, प्रोटॉन की है, और प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनकी तो संख्या ना तो कम होनी है ना ज़्यादा होनी है। इसलिए एटॉमिक नंबर हम क्या बोल देते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या होती है, एटॉमिक नंबर है। हालांकि जब एटम न्यूट्रल है, यानी कि उसने कोई रिएक्शन नहीं की है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है, तो न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है। लेकिन एक सेफ्टी मेजर के लिए हम यही बोलेंगे कि प्रोटॉन की जितनी संख्या है वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको अगर जोड़ दें, इनका सम कर दें आप, तो वो होता है एटॉमिक मास। तो 20 तक तो आपको एटॉमिक नंबर एटलीस्ट जरूर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता लगेगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर ये पता लगेगा वो रिएक्ट कितने से करेगा। क्यों, बाहर वाले शेल में या ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से वो रिएक्ट करेगा, उनका नंबर पड़ेगा। तो 20 तक मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं, एटम इनका सिंबल क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और इसका सिंबल है H। इसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। बेरिलियम सिंबल है Be, एटॉमिक नंबर है 4। बोरोन एटॉमिक नंबर है 5। और अब जाना पहचाना आपका फेवरेट कार्बन, बार बार यूज होता रहेगा, एटॉमिक नंबर है 6। और ये ओल्डेस्ट नॉन मेटल में भी शुमार है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7। अब जिसके बिना आप सांस लेना मुश्किल हो जाता हमारा, ऑक्सीजन सिंबल है O, एटॉमिक नंबर है 8। इसके बाद फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यानी कि इलेक्ट्रॉन छीन लेता है किसी के भी जो इसके सामने आएगा, एटॉमिक नंबर है 9। तो ये भी याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। इसके बाद नियोन एटॉमिक नंबर है 10। नियोन क्या है, ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये 18th ग्रुप है लास्ट वाला। ये नोबल गैसेज हैं, मीन्स ये रिएक्ट नहीं करते। क्यों, इनके शेल भरे हुए हैं। अब जैसे नियोन है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे भरेंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, अब सेकंड में कितने आने चाहिए थे, 8, और 8 ही आ गए, तो इसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जिसका शेल भरा हुआ है। जिसका शेल भरा हुआ नहीं है वही रिएक्शन के लिए दौड़ेगा, जब पहले ही भरा हुआ उसको क्या जरूरत है। अब फेमस मेटल सोडियम Na, सोडियम का सिंबल है Na और ए स्मॉल, ये डिजाइनिंग में अपनी मर्जी से नहीं करनी आपने, एन कैपिटल ए स्मॉल ऐसे ही लिखना है, एटॉमिक नंबर है 11। मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर है 12। इसके बाद एल्यूमिनियम Al, एटॉमिक नंबर है 13। इसके बाद सिलिकॉन Si, ये मेटलोइड है, यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल हो जाती हैं इसमें, एटॉमिक नंबर है 14। अब ये प्योर नॉन मेटल है फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इसके बाद सल्फर, ये नॉन मेटल ओल्डेस्ट, एटॉमिक नंबर है 16। फिर है क्लोरीन C और L स्मॉल है, एटॉमिक नंबर है 17। इसके बाद है क्लोरीन के बाद आपका आएगा, यानी कि हम पहुंच गए अब कहां पर नोबल गैसेस में, आर्गोन Ar, एटॉमिक नंबर है 18। इसके बाद पोटेशियम, एटॉमिक नंबर है 19। अब ये सोडियम जो है पोटेशियम है, ये क्या होते हैं, इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि ये बेस फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है, आप नाइफ से काट सकते हैं उसको। इसके बाद कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ तक क्या है, आपको ये लर्न होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जहाँ, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, हमने ये पता लगाना है कि सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, इसी चैप्टर में आगे आएगा। हम ये बात पढ़ेंगे कि आपसे कहा जाए वाटर का फार्मूला बताओ, आप वाटर का फार्मूला बताएंगे H2O। कोई ये भी कह सकता है H2O ही क्यों है, वाटर का फॉर्मूला H3O क्यों नहीं होगा, H4O7O या कुछ भी क्यों नहीं होगा, H2O क्यों है। तो इस बात का जवाब भी हमें यहीं से मिलेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको कहा जाएगा उसकी वैलेंसी। दोनों एलिमेंट्स जिनके बीच में आप कंपाउंड बनाना चाहते हैं उनकी वैलेंसी लिखी जाएगी, फिर उसको एक्सचेंज करेंगे और तब जाके कंपाउंड बनता है। ये बेसिक सी बात है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 11 है। अब इसको शेल्स में भर के देखते हैं, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं देखिए 2, तो पहले शेल में आए 2। दूसरे शेल में कितने आते हैं 8, तो ये 8 कर दिए मैंने, 2 and 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, कितना बच गया 1। अब 1 यहाँ आ जाएगा। पहली बात तो ये जो शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो सबसे बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कहा जाता है वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। मैग्नीशियम की कोई पूछेगा हमसे क्या बताएंगे, बताइए 2 8 10 हो गए ना, 2 बच गए 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2। क्या अब आप एल्यूमिनियम की वैलेंसी बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है, 13 मीन्स 2 8 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 3। इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं, आगे और भी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। फिलहाल ये एक बेसिक सी बात इस चैप्टर के बारे में है, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। अब हमने पढ़ना है कि ये मेटेरियल्स हैं तो कैसे हम इनका पता लगाते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेस पर हम पता लगा लेते हैं। जैसे मेटल्स में लस्चर होती है, मीन्स वो चमकते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। मेटल्स अच्छे कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इट मीन्स यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से अच्छी तरह से चल सकती है। जैसे आप कोई आयरन की रोड लेते हैं, उसको आप
फायर के अंदर डाल दें, आग के अंदर डालें, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाएगी। आग के अंदर है वो तो गर्म होगी, बाहर वाली भी गर्म होती है। इट मीन्स जो हीट यहाँ थी वो चल के ट्रांसफर होके आखिर तक पहुँच गई। इट का इसका मतलब क्या है कि वो हीट उसमें ट्रेवल कर रही है। इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसी तरह वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर हैं। इसके बाद मेटल्स को पीट कर उनकी आप चादरें, शीट्स बना सकते हैं, यानी कि मेलिएबिलिटी, उनको ड्रो कर यानी खींच के लंबी लंबी तार बनाई जा सकती हैं, यानी कि डक्टिलिटी जिसको बोलते हैं। नॉन मेटल्स में ये बातें नहीं पाई जाती हैं। मेटल्स को जब आप किसी चीज़ से टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है, मीन्स वो सोनोरस हैं। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। अगले वीडियो में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो वन मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं, वो तो यहीं पर आप याद रख लें कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल आपको याद रखना है। डक्टाइल मेटल जो सबसे ज़्यादा है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम इज मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स मेटल्स को खींचकर, ड्रोन इनटू वायर्स, मेटल्स को खींचकर लंबी लंबी तार बनाई जाती हैं। तो ये याद रखना है, प्लेटिनम क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मेलिएबल नहीं है। मेलिएबल कौन है, गोल्ड है। गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल है। तो आगे इनके बारे में अगले वीडियो में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि कौन मेलिएबल ज़्यादा है। अब जैसे कि हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स में क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी जो है Hg, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा गैलियम है। गैलियम थोड़ा सा यानी कि रूम टेम्परेचर से भी जस्ट 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर होते ही वो लिक्विड में आ जाता है, तो गैलियम है। या सीजियम है, तो ये वैसे स्ट्रिक्टली तो मरकरी ही है, लेकिन इन दो को भी शामिल किया जाता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दें और उसमें मरकरी दिखाई ना दे तो आप गैलियम को ढूंढें, वो भी दिखाई ना दे तो सीजियम को ढूंढें। तो वो क्या होंगे, हैं तो मेटल, और मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।